हेलो गाइस, वेलकम टू श्वेता क्लासेस यूट्यूब चैनल एंड दिस इज श्वेता तोमर। कैसे हैं आप सब लोग? चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर टू फ्रैक्शंस एंड डेसिमल एक्सरसाइज है 2.6। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1, 2 एंड 3 आज कंप्लीट करेंगे। चलिए जल्दी से कॉपी पेंसिल लेकर रेडी हो जाइए, और जिन लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है और आज फर्स्ट टाइम वीडियो देख रहे हैं वो फटाफट से सब्सक्राइब भी कर लेंगे। ठीक है, क्योंकि डेली आपको वीडियो मिलती है, डेली आपको सिलेबस कंप्लीट कराया जाता है, यानी जो चैप्टर स्टार्टिंग से स्टार्ट हुए हैं और जब तक आपकी बुक फिनिश नहीं हो जाएगी तब तक डेली आपको एक वीडियो मिलती रहेगी। तो आप लोग बिल्कुल रेडी रहिए, 1:30 PM पर आपको एक क्लास मिलती है जिससे आप दिन में कभी भी देख सकते हो। ठीक है, तो अगर आप अपनी स्टडी को रेगुलर रखना चाहते हो, अपने मैथ्स वर्क को रेगुलर रखना चाहते हो, तो आप जल्दी से फटाफट सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन पर प्रेस कर लेना जिससे नोटिफिकेशन आपको जरूर मिल जाए। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 1 क्या है। क्वेश्चन नंबर 1 है, मल्टीप्लीकेशन दिया हुआ है। भाई सिंपल मल्टीप्लीकेशन तो सबको आता है, सबको आता है ना, हम लोग क्लास 2 से मल्टीप्लीकेशन करना सीखते हैं। सेम वही मल्टीप्लीकेशन यहाँ भी करना है, लेकिन फर्क क्या है, यहाँ पर डेसिमल लगा दिया। तो डेसिमल लगाने से आपको बिल्कुल भी घबराना नहीं है। ठीक है, अब जैसे मल्टीप्लीकेशन करते हैं ना, बिल्कुल सेम वैसे ही हमें मल्टीप्लीकेशन करना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। 0.2 × 6, डिजिट का डिजिट के साथ मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो क्या बनेगा, 6×2 = 12। ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब इसके बाद देखो, इस वाली डिजिट में राइट से लेफ्ट की तरफ जाते हुए कितने डिजिट के बाद डेसिमल लगा है बताओ, कितनी डिजिट के बाद डेसिमल लगा है? केवल एक डिजिट के बाद। ठीक है, तो हम भी क्या करेंगे, जब हमारा आंसर आ जाएगा तो हम भी राइट से लेफ्ट की तरफ काउंट करते हुए एक डिजिट के बाद डेसिमल लगा देंगे। ठीक है, तो ये हमारा आंसर आ गया। अब देखो ये आया कैसे, तरीका देखो इसको, दूसरा मेथड, लेकिन आपको वो मेथड यूज नहीं करना है। ठीक है, आपको यही मेथड यूज करना है। मेथड 2 क्या है भाई, 0.2 है। इसका मतलब अगर मैं यहाँ से पॉइंट हटाऊंगी तो मैं यहाँ पर क्या लिखूंगी नीचे, 10। यही तो होता है, जितनी डिजिट के बाद जीरो पॉइंट लगा है, पॉइंट हटाओ और उतनी डिजिट नीचे जीरो लगा दो। तो एक डिजिट के बाद पॉइंट था तो हमने नीचे क्या किया, 1 लिखकर उसके साथ एक जीरो लिख दी। ठीक है, आप कर सकते हैं इसको, अब तो हमारे लिए सिंपल बन गया, 2×6 = 12 हो गया अपॉन 10। अब अगर आप चाहे 10 से इसे डिवाइड करो, चाहे जीरो को हटाकर जितनी जीरो है उतने के बाद डेसिमल लगा दो, तब भी तो आपका आंसर वही आ रहा है। क्यों भाई, आई बात समझ में, आ गई ना, दोनों तरह से क्लियर हो गया। लेकिन ये मेथड ना आप यूज मत करना, आप अपनी नोटबुक में ऐसे ही करना। ठीक है, अगर आप प्रैक्टिस भी करते हो तो ऐसे ही प्रैक्टिस करना। ये मेथड, ये जो दूसरा वाला मेथड है, ये मैंने केवल इसलिए बताया है कि ये पॉइंट हम कैसे लगाते हैं या क्या काउंट करें। भाई जब नहीं समझ में आए ना, तो जितने ऊपर, जितने डिजिट के बाद ऊपर पॉइंट है उतने नीचे जीरो लगा दो, 1 लिखकर सिंपल मल्टीप्लीकेशन कर दो। अब क्या करते हैं, वो रूल हमें मालूम है, हम चैप्टर 1 में, क्लास 6 में, क्लास 5 में कर कर आए हैं कि जितने नीचे जीरो हो 1 के बाद उतने के बाद ऊपर पॉइंट लगा दो, नीचे से जीरो हटा दो, है ना। तो ये मेथड मैंने आपको केवल इसलिए समझाया। नेक्स्ट वाला देखो, अब हम फटाफट करते जाएंगे, तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं, अपोजिट हमारे लिए इजी हो जाएगा, हमें एक ही बार मल्टीप्लीकेशन करना पड़ेगा। ठीक है, 8×6 = 48। ठीक है, 8×4 = 32, 32 में 4 = 36। अब देखो कितने डिजिट के बाद पॉइंट है, एक डिजिट के बाद, तो सिंपल आप भी क्या करोगे, एक डिजिट के बाद पॉइंट लगा दोगे, ये आपका आंसर आ गया 36.8। ठीक है, नेक्स्ट 2.715। तो पहले क्या करेंगे, पहले सिंपल मल्टीप्लीकेशन, 5×1 = 5, 5×7 = 35, 5×2 = 10 और ये 3। अब कितने डिजिट के बाद मल्टीप्लाई हुआ है डेसिमल, 1, 2 डिजिट के बाद है, तो हम भी काउंट करेंगे 1, 2, यहाँ पर हम अपना डेसिमल लगा देंगे, ये हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसको भी सिंपल मल्टीप्लाई कर लो, 4×1 = 4, 4×0 = 0, 4×2 = 8। अब एक के बाद है यहाँ पर, तो आप भी एक के बाद लगा दो, ये आपका आंसर आ गया। ठीक है बेटा, ये पूरी की पूरी जो चैप्टर है ना, पूरा डेसिमल एंड फ्रैक्शन, ये बहुत इजी चैप्टर है और पूरे बुक में आपका सबसे इजी चैप्टर है। अगर ये समझ में आ जाए
तो बस आप ये समझो कि आपके 1 मार्क और 2 मार्क तो एकदम पक्के हो गए कि अगर इनमें से क्वेश्चन आ गया आपको तो आप कंफर्म कर लोगे इन क्वेश्चंस को। लेकिन बस एक बार प्रैक्टिस कर लो, ज्यादा मत करो इनकी, एक बार करके देख लो सारे क्वेश्चंस, ठीक है। नेक्स्ट देखो, 5 7 35, इतनी बार खत्म हो गई, यानी डिजिट का डिजिट के साथ मल्टीप्लीकेशन कर दिया। अब यहाँ पॉइंट कितने के बाद है, 2 डिजिट के बाद। हमारे पास भी कितनी डिजिट आ गई, 2 डिजिट। हम भी क्या करेंगे, राइट से लेफ्ट की तरफ काउंट करते हुए 2 डिजिट के बाद पॉइंट लगा देंगे, बस ये हमारा आंसर आ गया, ठीक है। अब नेक्स्ट वाला कर लो, ये भी सिंपल है। 4 2 8, 4 0 0, 4 1 4, 4 1 4 और 4 2 8, 2 डिजिट के बाद है, तो आप भी 2 डिजिट के बाद यहाँ पर डेसिमल लगा दो, आंसर आ जाएगा, ठीक है। आंसर आ गया 844.0। नेक्स्ट वाला देखो, इसको आप ऐसे लिख लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई भी डिजिट किसी भी तरफ लिख लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। 2 6 12, 2 8 16 और 1 17, डेसिमल कितने के बाद है, 2 डिजिट के बाद, तो 1 और 2 यहाँ बता देंगे, आंसर मिल गया 1.72। क्लियर होता जा रहा है ना सबको, बता दो भाई, कोई प्रॉब्लम नहीं है, किसी को कोई तकलीफ है तो जल्दी से कमेंट करेंगे। नेक्स्ट देखो, फाइंड द एरिया ऑफ रेक्टेंगल हूज लेंथ इतने सेंटीमीटर इन ब्रेथ। अब एरिया निकालने का फॉर्मूला मैंने आपको क्लास 6 में भी सिखाया था, ठीक है। किसका एरिया निकालना है, लेंथ अलग है ब्रेथ अलग है, इसका मतलब जो एरिया है वो किसका है, रेक्टेंगल का है, ठीक है। तो लिखेंगे एरिया ऑफ रेक्टेंगल, बना दिया मैंने, क्या होता है एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एल इंटू बी, सिंपल, 5.7 × 3, क्या हो जाएगा, 7 3 21 और 3 5 15 और 16 17, एक के बाद पॉइंट है तो आप भी लगा दो, क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर। क्यों हो गया, सबको प्रॉब्लम होगी ना कि भाई जब हम पेरीमीटर निकालते हैं तब तो सेंटीमीटर ही लिखते हैं यूनिट, लेकिन जब एरिया निकालते हैं तब क्यों हम सेंटीमीटर स्क्वायर लिखते हैं। तो इस चीज को भी समझ लो, आज जब आपने डिजिट का डिजिट से मल्टीप्लाई किया तो दोनों को मल्टीप्लाई करके लिखा ना, तो भाई मुझे ये बता दो, क्या आप यूनिट का यूनिट से मल्टीप्लाई करके लिखोगे, तो नहीं लिखोगे क्या, ठीक है। इसका मतलब है सेंटीमीटर 2 टाइम्स है, सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर, भाई 2 सेंटीमीटर × 3 सेंटीमीटर, तो आप क्या लिखोगे, इसका तो इससे मल्टीप्लाई कर दिया, लेकिन क्या इसका इससे मल्टीप्लाई नहीं करोगे यूनिट का यूनिट से। जब यूनिट का यूनिट से मल्टीप्लाई कर दिया तो यूनिट डिजिट में तो आ नहीं सकती, तो हम क्या लिखेंगे, सेंटीमीटर और ऊपर पावर 2 लगा देंगे। इसका मतलब हमें समझ में ये आता है कि जो सेंटीमीटर है भाई वो भी 2 बार है, ठीक है। पॉइंट सेम, अब देखो ये सबसे इजी होते हैं ये वाले क्वेश्चन, 10 हो 100 हो 1000 हो, उससे मल्टीप्लाई करना हो ना, बिल्कुल इजी होते हैं, कुछ नहीं करना आपको, क्या करना, आप डिजिट का डिजिट से मल्टीप्लाई करना, ठीक है। 1 3, अब जो 0 है लास्ट में उसे लगा दो, अब पॉइंट कितने के बाद है उसे लगा दो, क्या आ गया आंसर, 13, ठीक है, आ गई समझ में। अब नेक्स्ट देखो, डिजिट का डिजिट से मल्टीप्लाई करो, 3 6 8, अब ये वाली 0 लगा दो, कितने के बाद पॉइंट है, 1 डिजिट के बाद, आप भी लगा दो, क्या आ गया आंसर, है ना, 1 सेकंड के क्वेश्चन, 1 सेकंड के क्वेश्चन है ये सारे। नेक्स्ट देखो, 1 5 3 7, और ये वाला 0 लग गया, कितने के बाद पॉइंट है, 1 डिजिट के बाद, हमने भी लगा दिया, ठीक है। 1 6 8 0 7 2 10, चलिए क्या करेंगे, 1 6 8 0 7 और एक ये वाला 0, अब कितने के बाद है, 2 डिजिट के बाद, तो आप भी लगाओ 2 डिजिट के बाद, 1 2 लगा देंगे, ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। आ रहा है ना समझ में, बिल्कुल एकदम क्लियर, फर्स्ट क्लास, बताओ जल्दी से फटाफट, आ रहा है तो जल्दी से लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो, बिल्कुल कंफ्यूज ही नहीं करनी है लाइक शेयर में। और जो लोग फर्स्ट टाइम देख रहे हैं वो बिल्कुल आज सब्सक्राइब कर लेंगे चैनल को, पूरा का पूरा
क्लास सेवन का एनसीईआरटी बेस्ड मैथ देखने के लिए, ठीक है। ये टेलीग्राम चैनल का लिंक है जो मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया हुआ है, आप वहां से टेलीग्राम चैनल पे मुझे ज्वाइन कर सकते हो, नहीं तो आप सर्च मारोगे श्वेता क्लासेस के नाम से तो भी आपको चैनल मिल जाएगा, ठीक है। और फेसबुक पर आपको डेली अपडेट्स मिल ही जाते हैं। ये लोगो है, यही लोगो मेरा यूट्यूब पर है, यही लोगो फेसबुक पर है, और यही सेम लोगो आपको टेलीग्राम चैनल पर भी मिलेगा, ठीक है। तो बिल्कुल देर नहीं करनी है अपनी क्वेरीज को पूछने के लिए, आप लोग ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। 1:30 PM पर आपको डेली एक क्लास मिल जाती है, इसको आप दिन में किसी भी टाइम देख सकते हो, जब भी आपका मन करे, जब भी आप फ्री हो। वैसे तो बच्चे फ्री ही रहते हैं, कोई काम तो बच्चों के पास नहीं होता है सिवाय मस्ती करने के, सोने के और खाने के, है ना। तो थोड़ा सा उसमें से टाइम निकालो और अपनी पढ़ाई पर फोकस करो। स्कूल सभी के खुल चुके हैं और बहुत टाइम पहले खुल चुके हैं, और फाइनल जो होंगे वो आपके स्कूल में ही होंगे, तो आप लोगों को प्रिपरेशन बहुत अच्छे से करनी पड़ेगी। अब तो चीटिंग नहीं चलेगी स्कूल में, ठीक। अब आ गया 100, तो प्रोसेस अभी भी हमारा वही रहेगा कि हम क्या करेंगे, डिजिट का डिजिट से मल्टीप्लाई करेंगे 3, 1, 1, और ये जो लास्ट में जीरो है इन्हें लगा देंगे 0। फिर कितने के बाद पॉइंट है, 1 के बाद, तो हम भी क्या करेंगे 1 डिजिट के बाद पॉइंट, ठीक है। अच्छा मुझे एक बात बताओ, क्या आप लोगों को ये जब आपने 10 से मल्टीप्लाई किया या जब आप 100 से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो आपको कोई चीज समझ में आ रही है, एक बात समझ में आ रही है, किसी ने गौर किया, नहीं किया होगा, मैं बताती हूँ। जब हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, चाहे 10 से करें, चाहे 100 से करें, चाहे 1000 से करें, तो जो हमारा डेसिमल है वो इस तरफ जा रहा है ना, सभी में जा रहा है ना। देखो 31.1 है, आंसर आया तो क्या हो गया, 2 0 थे, इसीलिए 3 1 1 जीरो के बाद आ गया, है ना। तो जितने जीरो के साथ हम मल्टीप्लाई करते हैं, यानी आप याद रखोगे कि जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो जो आपका डेसिमल है वो लेफ्ट से राइट की तरफ आएगा, और जब आप डिवाइड करोगे तो वो राइट से लेफ्ट की तरफ जाएगा, ठीक है। अभी अगर आगे डिविजन वाले सम्स आएंगे तो हम उनमें देखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखो 3 6 2 और ये वाली 2 0, पॉइंट है 2 के बाद, तो आप भी लगा दो 2 के बाद, आंसर मिल गया। उसी तरीके से 4 3 0 7 0 0, 2 के बाद पॉइंट है, आप भी लगाइए, आंसर मिल गया। कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ रही, ऐसा नहीं करना, आप लोग ऐसे करने नहीं बैठ जाना 4 3 0 7 into 100 0 0 0 0 0, ऐसे नहीं करने बैठ जाना बिल्कुल भी। मैंने आपको इसके लिए तो शॉर्ट ट्रिक बता दी है, और ये आप यूज भी कर सकते हो, ठीक है। मेथड बिल्कुल भी रॉन्ग नहीं होगा, ये बहुत लंबा प्रोसेसर हो जाएगा। हाँ, लेकिन अगर आपके टीचर बोलते हैं कि आपको मल्टीप्लिकेशन शो करना है तो आप इसको शो करके दिखा सकते हो, आंसर तो तभी भी वही आना है, ठीक है। अब 2 कितने के बाद पॉइंट है, 2 के बाद हमने भी लगा दी यहां पर, तो ये हमारा सेम आ गया, ठीक है। चलो 0.5, 5, और एक ये 0, और फिर पॉइंट कितने के बाद है 1 डिजिट, आ गया आंसर 0.8, 1 जा 8। अब पॉइंट कितने डिजिट के बाद है, एक ये 0 लगा दी, पॉइंट कितने डिजिट के बाद है, 2 डिजिट के बाद, तो 1 1 2 यहाँ लगा दो, आ गया आंसर, ठीक है ना। चलिए 9 0 0.1 के बाद आंसर 3, अब देखो 1000 आ गया यहाँ पर 0 0 0, और पॉइंट कितने के बाद है, 2 डिजिट के बाद, तो आप भी लगाइए 2 डिजिट के बाद, आंसर आ गया 30, ठीक है। नेक्स्ट खत्म हो गया, यानी क्वेश्चन नंबर 1, 2 and 3 अब कंप्लीट हो गया, कितनी जल्दी कंप्लीट हुआ, विद इन 5 or 10 minutes, है ना। तो आप लोग भी अगर प्रैक्टिस करेंगे तो इससे कम टाइम में भी इसे खत्म कर सकते हैं। मैंने तो आपको समझाने के लिए इतना टाइम लगा दिया, लेकिन आप लोग बहुत समझदार हैं, बहुत जल्दी समझ जाते हैं, तो आप लोग की समझ में सबके आ गया होगा। अब आप एक बार प्रैक्टिस करेंगे तो विद इन 4 or 5 minutes आप इस वाली एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3 को कंप्लीट कर सकते हैं, ठीक है। चलिए तो एक बार फिर से बोलूंगी,
जिन लोगों ने अब तक भी लाइक नहीं किया वो लाइक कर लेंगे, फर्स्ट टाइम देखने वाले बच्चे सब्सक्राइब कर लेंगे, और आपके घर में अगर कोई क्लास 5 में है, क्लास 6 में है, तो उनके लिए भी मैंने वीडियोस बनाई हुई है, वो प्लेलिस्ट वाइज आप देख सकते हो चैनल को सब्सक्राइब करके। जब चैनल सब्सक्राइब कर लोगे तो प्लेलिस्ट बटन पे क्लिक करना, क्लास 5 की वीडियोस आपको अलग मिलेंगी, क्लास 6 की वीडियोस आपको अलग मिलेंगी, और क्लास 7 की आपको अलग मिलेंगी। क्लास 5 में मैंने ऐसा कोई पर्टिकुलर बुक यूज नहीं की है, मैंने वो कॉमन टॉपिक्स लिए हैं जो क्लास 6, 5, 6, 7 और 8 में आप लोगों को परेशान करते हैं। जिन बच्चों को प्रॉब्लम होती है कि कैसे करें फ्रैक्शन, कैसे करना चाहिए मल्टीपल फैक्टर, डेसिमल, ये सब में एलसीएम, एचसीएफ और डिविजिबिलिटी रूल्स, तो आप लोग क्लास 5 की वीडियोस में जाकर देख सकते हैं। हर एक चैप्टर मेरा बिल्कुल टॉपिक वाइज है, अलग अलग टॉपिक है, डिविजिबिलिटी रूल है तो डिविजिबिलिटी रूल ही है, अगर एलसीएम है तो वो एलसीएम ही है, एचसीएफ है, तो मतलब एक एक मैंने वीडियो सेपरेट सेपरेट बनाई हुई है, ठीक है, तो आप लोग बहुत आसानी से देख सकते हो उसको। चलिए आज यहीं तक रहने देते हैं, कल फिर मिलेंगे, कीप वॉचिंग मी, बाय बाय।